This movie is encoded by Dr. Star. बेकार होगा। खबर बिल्कुल पक्की है। लगता है हमें सुराग मिल गया है और पता लगाने का बस एक ही तरीका है। जानता था जेरिड, मुझे लगा कि तुम्हें कोई नहीं जानता। अब भी नहीं जानता। खेल के कायदे बदल रहे हैं।
हमारे क्लाइंट को मरने वालों की बढ़ती तादाद से नफरत है। पहले ही उसकी नेकनामी पर उंगलियां उठ रही हैं, यानी अब तो करीबी लोगों की ही बारी है। हमारे क्लाइंट को सिर्फ एक बात से नफरत है, नाकामी। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम दोनों को उस पैकेट को रोकने के लिए रखा गया था। फिर वो पैकेट उस बदमाश के पास पहुंचा कैसे? मेरा काम था सारे सबूतों को मिटा देना, तो लगता है तुम्हारा काम मैंने ही कर दिया। वाकई हम वो पैकेट ढूंढ निकालेंगे, उम्मीद तो है। मुझे तो लगने लगा है अब तुम में दम नहीं रहा। मैं चाहता हूँ फ्राइडे तक पैकेट पहुंच जाए। किसी प्रोफेशनल को ये काम सौंप दो। हाँ, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। कौन था? वॉर्सो। क्या मैं उसे जानती हूँ? अगर मुझे जलन नहीं होती तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझसे प्यार करते हो तो जरूर होगी। खैर, कोशिश काफी अच्छी थी। अच्छी कोशिश। हेलो, ए जॉन, फ्यूनरल के लिए आ रहे हो ना? हाँ शॉन, फ्लाइट मिलते ही आ जाऊंगा। कितने बजे तक पहुंच जाओगे? सब कुछ कितने बजे शुरू होगा? 3 बजे। खैर, जरूर चाहते कि तुम आओ। जरूर आऊंगा शॉन, मैंने कहा ना पहुंच जाऊंगा। बाय। हेलो, प्लीज तशरीफ रखिए। ये क्या, कुछ तो खाइए। जी नहीं शुक्रिया, जरा जल्दी में हूँ। मैं पिछले 6 महीनों से सोच रहा था कि तुम्हें पेरिस पसंद आया कि नहीं। तुम्हारे बिना मैं आखिर क्या करूंगा? मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? तुम जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा, और ऐसा जो हमेशा काम पूरा कर दे। ऐसे लोग आसमान से नहीं टपकते। खैर, तुम्हारे पास डुआ है ना? हाँ डुआ, वो बहुत काबिल है, खासकर जब बड़े ही कड़े तरीके अपनाने हो। ये क्या? गुजारिशनामा। इसलिए? बस ये आखिरी काम कर दो। मैंने कहा ना मुझे जाना है। एक छोटा सा काम है, बस तुम्हें ये पैकेट सही सलामत जर्मनी पहुंचाना पड़ेगा। बेशक अपने सारे काम निपटाने के बाद ही जाना, ग्राहक का पता पीछे लिखा है। तकलीफ तो नहीं होगी ना? मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। पैकेट वर्साई में है, डुओ भी तुम्हारे साथ जाएगा। दो रूसी से एथीन से लेकर आए थे, किसी को फ्रेंच नहीं आती। उन्होंने ये किसी फॉर्म पर रखा है, तुम्हें बस उसे वहां से लेना है। आसान काम है। अगर ये इतना आसान है तो क्यों ना हम पेरिस में मिले? ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो।
वर्षाए कितनी दूर है? अभी वक्त लगेगा, हम वर्षाए पहुंचेंगे तब गाड़ी रोकेंगे, समझ गए ना? हाँ, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था, शायद एक घंटे से भी कम। मार्क कह रहा था कि तुम जा रहे हो, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। तुम दोनों के बीच आखिर क्या कॉमन है? मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो कहूंगा शराफत एक सी थी। रिलैक्स, ये मार्के की काफी सेफ जगह है, उसकी आंटी का फॉर्म है, यही इंतजार करते हैं। जब हम अंदर चले जाएं तो गाड़ी घर तक ले आना। जी। अब मेरी बात सुनो, मुझे पता है एलेक्स ने तुम्हें भेजा है, और जैसा मैं कहूं वैसा होगा। अपनी बंदूक बाहर निकालो और छिपा दो, बाई तरफ से जाना, एक लफ्ज भी मत कहना। ठीक है। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। एलेक्स ने मुझे भेजा है। अंदर आओ। जेंटलमैन, अब जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। शायद आप मुझे कुछ देने वाले हैं। इन्हें क्या हुआ? इनकी जबान काटती है। यही है ना पैकेट? शायद यही होगा डुआ। इसमें क्या है कि मरने मारने पर उत्तर है। तुम्हें समझ करना। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? फिर से हाथ लगाया तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम पैकेट खोलना चाहते हो,
तो वापस जाकर माके की इजाजत लेकर खोलना। क्या हम वापस मरके के पास जा रहे हैं? हाँ। अगर वो भी इसमें शामिल हो तो? अगर तुम शामिल हो तो? ये सब क्या है? रोजमर्रा के नियम है और कुछ नहीं। थोड़ी देर रुक सकते हो? नहीं, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। अब तो मैं कहूंगा तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? फिर सोचो जरा, हमारे बीच सौदा हुआ था। मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर चीजें पहुंचाने जाऊं जब सामने वाला कोई जोखिम न उठाए? काम अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर तुम कोई नया बंदा ढूंढ लो। ठंडे दिमाग से सोचो जरा, कोई नहीं चाहता कि तुम अपनी फ्लाइट मिस करो। या तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस जरा सी बात करना चाहता हूँ। कुछ पियोगे? बताओ वहां पर क्या हुआ? छोड़ो भी, बात करो। याद है हम इसी का पैसा देते हैं, लोगों से बात करने का। तो मेरी एक गुजारिश है, मेरे दोस्त से पूछ लो। जानलेवा हमला, 3-4 लोग थे, हम पर बरस पड़े, हमें तो सुनाई तक नहीं दिया। कौन थे वो? विदेशी। हाँ, वो सब विदेशी थे। कोई पहचान? वो देखने के लिए मैं वहां रुका नहीं। अचानक हर जगह पर आग लग गई थी। वहां आग लगी थी? हाँ, तुम्हारी आंटी सुरक्षित है, मैंने खुद उन्हें बचाया है। तुमने पैकेट खोलकर देखा था? नहीं नहीं। तब तो हम सब कह सकते हैं कि ये अचानक ही हुआ। बस हैरत इस बात की है कि मैं अब तक तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। तुम्हें पैकेट पहुंचाने का काम दिया गया था जो पहले ही वहां पर मौजूद था। तुम कहना चाहते हो कि कोई तुम्हें फंसा रहा है? तुम्हारा इशारा मेरी तरफ तो नहीं? नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हें कहीं बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। कोई सुझाव? मुझे तो सिर्फ एक ही चीज में दिलचस्पी है कि नोट में कितने 0 हैं। ये मामला मैं संभालूंगा एलेक्स, मैं खुद उन सब से निपटूंगा। एक मिनट रुको प्लीज। प्लीज बैठ जाओ, एक छोटा सा काम है, भरोसे का आदमी चाहिए। क्या तुम इस पैकेट को इस पते पर छोड़ सकते हो? मेरा ग्राहक इंतजार कर रहा है। ठीक है। शुक्रिया। जब तुम वॉर्सॉ पहुंचो तो अपने परिवार से कहना कि मुझे बेहद दुख है। तुम यहाँ हो, कमाल है। सोचा था किसी अलग रूप में मिलोगे। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। तुम मुझे कब्रिस्तान ले जाने आए हो?
बस बात करनी है और कुछ नहीं। तुम्हें ढूंढना काफी मुश्किल है। मैंने सोचा तुम साउथ अमेरिका में हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें पेरिस पसंद आया होगा, क्योंकि इसे बर्बादी का शहर कहते हैं। और ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ जोनाथन इतना शांत होगा। मुबारक हो। तुम्हारे पिता कुदरती मौत मरे थे, तुम कुछ और मत सोचना। उनके लिए एम्बेसडर बनना आसान नहीं था, और वो हमेशा पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करते थे। जानता हूँ वो तुम्हें भी टीम में चाहते थे। अच्छा मुझे एक बात बता, पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना किसी टीम का काम था? तुम्हें क्या लगता है हमसे ट्रेनिंग लेकर तुम किसी विदेशी गुट के लिए काम करोगे जो तुम्हें हमसे ज्यादा पैसे देते हैं? क्या इसमें समझदारी है? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। दूसरे देशों में इसके लिए तुम्हें मार दिया जाएगा। बेवकूफ, तुम अपने काम में काफी माहिर हो, आखिर अपने पिता की औलाद हो। यहाँ काफी कुछ बदल गया है। दोस्त और दुश्मन को परखो और हमें हर चीज की खबर देते रहो। हाँ दोस्त और दुश्मन, हमें जो चाहो समझो। तुम बहुत चालाक हो। क्या कहा तुमने? उसे जाने दो। जाएंगे हम, बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, स्मारक बनेगा यहीं इसी आर्लिंगटन सिमेट्री में। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं पोलैंड में, जिसकी मिट्टी को उन्होंने जीते जी आज नहीं आने दी। फिर हम इन्हें इनके जन्म स्थान भेज देंगे, जिसे उन्होंने हमेशा प्यार किया। जैक्सन, एक नागरिक, एक साथी, एक पिता और एक दोस्त थे, लेकिन उनकी इच्छा थी उन्हें उस रूप में याद रखा जाए जिसे वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे, उनका परिवार, उनके प्यारे बेटे जोनाथन और शॉन। हम उनकी विदाई की तैयारी कर रहे हैं। आज हम उस बहादुर सिपाही को सलाम करते हैं जिसे हम कभी कभी नहीं भूल पाएंगे। खूबसूरत जगह है यार, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तुम ठीक तो हो? हाँ। ड्रिंक? हाँ जरूर, शुक्रिया। फ्लाइट मिस हो गई? वेटिंग में हूँ, देखें कब मेहरबानी होती है। यहाँ पोलैंड में कब से हो? 6 महीने से। अच्छा, डैड ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए कहा था। हाँ, मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ वॉरसॉ से ज्यादा थिएटर मिलेंगे, क्योंकि तुम जानते हो मैं वॉरसॉ में रह चुका हूँ। मुझे इस बदले के लिए डैड का ऑफिस तैयार करना है। डैड के बहुत सारे दोस्त थे जिनसे उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे जो तुम्हें निभाने हैं। तुम्हें हर चीज में साजिश क्यों नजर आती है जॉन? मेरा मतलब, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो नेक काम भी करते हैं, सबको शक की नजर से नहीं देखते। सच कहते हो, बस हमारे धंधे में ऐसा नहीं होता। कमाल है ना,
हम सब कैसे यूरोप पहुंच गए। ये फ्यूनरल ही एक ऐसा मौका है जब हमारा परिवार साथ होगा। हाँ तुम रुक रहे हो ना? नहीं, मुझे जर्मनी जाना है। और फिर वापस फ्रांस, और क्या? तुम्हारे पास सेलफोन नंबर है? तुम्हारा पता लगाना तो इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक काम करते हैं, जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा तुम्हें अपना नंबर भेज दूंगा। तुमसे मिलकर खुशी हुई भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चीयर्स मेरे भाई। चीयर्स मेरे भाई। के तुमसे मिलना चाहते हैं। दिखाई नहीं देता, मैं एक्सप्रेसो पी रहा हूँ, तुम चाहो तो पी सकते हो। उन्होंने तुम्हें फौरन बुलाया है। उनसे कहो कि मैं इस वक्त बिजी हूँ। तुम कॉफी पीना चाहो तो बैठ सकते हो। तुमने सुना नहीं, चलो। खिलौने अच्छे हैं। चल रहे हो कि नहीं? अच्छा बॉस, तुम जिद कर रहे हो तो कम से कम मैं बिल ही दे दूं। थैंक्स। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। रुको, खुशी है कि तुम आए। अब तुम जा सकते हो। हम बाहर ही खड़े हैं। जब से वो हादसा हुआ है मैंने यहां अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जाने कब क्या हो जाए। वाय जी, जरूर, शुक्रिया। मैं कब से तुमसे बात करना चाहता था। तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? भूल ही गया, प्लीज बैठो।
इस बात का ताल्लुक तुम्हारे और मिस्टर कोल्ड के काम से है। क्या तुम जानते थे कि उसने कातिलों को पहचान लिया था? जी नहीं। इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और? कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से। तुम्हें कुछ याद है उसने यहां से जाने से पहले क्या कहा था? किसी साजिश को भड़काना एक खतरनाक काम है। मिस्टर कोल्ड साजिश रचने में माहिर हैं, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये उनका स्टाइल नहीं। नहीं, तुम ठीक कहते हो। हाँ, मैं हमेशा ठीक कहता हूं, इसीलिए तो आपने मुझे यहां बुलाया है। सोचकर बहुत परेशानी होती है कि कोई इतना करीबी आपका फायदा उठाए और आपकी कमजोरी किसी के सामने खोलकर रख दे। कल मिलना मुझे, मुझे मयोरका में एक काम है, एक भरोसे का आदमी चाहिए। तुम वहां जाओगे? डुओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे मिलना चाहता था? हेलो। हेलो, तुम्हारे पापा हैं। क्या कहा? हेलो, कहिए क्या काम है? क्या मिस्टर वैनी किन है? जी वो तो नहीं है, कोई मैसेज है। बता सकती हैं वो कब आएंगे? नहीं बता सकती। आप कौन बोल रहे हैं? नहीं शुक्रिया, मैं फिर फोन करूंगा। कहिए क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, क्या एक कमरा मिल सकता है? जरूर, 40 यूरोस प्लीज। तुम मिस्टर वैनिकन को जानती हो? बिल्कुल, कौन नहीं जानता। माफ करना, मैं यहाँ नया हूँ। कोई बात नहीं। हेलो। हाँ, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ पूछो। तुमने मिस्टर वैनिकन का नाम सुना है? हाँ, वो बहुत ही अमीर आदमी है, खानदानी अमीर। और क्या? जीरोम वैनिकन, वो तो बहुत ही बड़े अमीर आदमियों में से एक है। वो छोटे मोटे ठेके खरीदता है, उनको बनाता है और खुद चलाने के बजाय उन्हें भारी दामों में बेच देता है। लोग कहते हैं वो जिसे छूता है वो सोना बन जाता है। 9 साल पहले मेरिडिथ केसी से शादी की थी? ये सब मैं नहीं जानता। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। हेलो, ये वैन एक्किंस का नंबर है, सॉरी हम आपका कॉल नहीं ले सकते।
वो मेरेडिथ के बारे में क्यों पूछ रहा है? बंदा काफी छानबीन करता है, उसे सब मालूम होना चाहिए, हर चीज बारीकी से समझता है। ये सब जानकारी मिली है उसकी, शायद उसे वो बहुत पसंद हो। क्या वो जानता है? वो जर्मनी में ही है। चलो उस बदनसीब को एक मौका देते हैं, फिर उसे जाने देंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए मिस्टर ओलिफेंट? मैंने कि इनसे मिला जाए? बिल्कुल नहीं, तुम उस मिस्टर कोल्ड को खत्म कर दो, ना ही वैन एकन के आसपास जाना और ना ही उसके परिवार के। तुम समझ रहे हो ना मिम्स? मैं चाहता हूं जॉनथन कोल्ड का नाम कल दोपहर तक दुनिया से मिट जाना चाहिए। कहिए। मैं मिस्टर वैनिकन से मिलने आया हूँ। मैं नीचे किसी को भेजता हूँ। कहिए क्या काम है? मिस्टर वैनिकन को ये मैसेज दे दो। और आपकी तारीफ? उनका एक बहुत पुराना दोस्त। हेलो, मैं मेरेडिथ वैन एकिन हूँ, आप मुझे जानते हैं? जी जानता हूँ। मैं अपने पति की तरफ से फोन कर रही हूँ, वो लंदन में है। मिस्टर वेबर? मिस्टर वेबर, वो पूछ रहे थे कि हम किसी को सामान लेने भेजें क्या? नहीं, मुझसे कहा गया था कि मैं खुद देने आऊँ। तो क्यों ना मैं ही लेने आ जाऊँ, आप मुझसे मिल सकते हैं? कहाँ? अगर एतराज न हो तो आज ही। कहाँ? मिस्टर वेबर, यहाँ पास ही एक रेलवे स्टेशन है जो टर्मिनस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। आप जानते हैं ये कहाँ है? नहीं, पर मैं ढूंढ लूँगा। तो फिर एक घंटे में मिले। ठीक है, एक घंटे में। मैं एक सफेद रंग की रोल्स में स्टेशन की दाई तरफ आऊंगी, हम फिर वहाँ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वेबर। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया मिस्टर वेबर, उम्मीद है परेशानी नहीं हुई। यही है क्या? शुक्रिया मिस्टर वेबर। ये तुम्हारे लिए है।
यहाँ हुआ क्या है? अब गहरी सांस लो मिस्टर वेबर, कोशिश करो रुकने की, धीरे धीरे बाहर फेंको, गर्दन के पीछे दर्द को महसूस करो, इसे कहते हैं बीच की सूजन। बस खून दिमाग तक नहीं पहुंचता है उस सूजन की वजह से। तुम्हें शायद सिर दर्द भी हो अगले कुछ घंटों तक। वैसे दोस्त, वही वक्त है बताने का कि असली पैकेट कहाँ है। ओ, वरना सच कहता हूँ, ये दर्द तुम्हारा आखिरी दर्द होगा मिस्टर वेपर। तुम किस वैनिकिन के लिए काम करते हो, मेरेडिथ या जेरोम? मिस्टर वेपर, तुम बहुत मजाकिया हो, छोटा मोटा सामान पहुंचाने का काम करते हो। You seem to have taken an active interest in my employer. Now, I wonder why that is. Are you the boyfriend? What I am or am not is inconsequential to this moment. Right now, all that is important is for you to tell me where the real package is. In the next 4.5 minutes. Couldn't you find it yourself? Oh. Perhaps I'm being vague, so let me clarify. Asphyxiation is the process by which air is shut off to the lungs, thereby cutting off oxygen to the brain. And when the brain dies, Mr. Weber, well, then, what's the point? Now, before you let that happen, why not use what little brain matter you've apparently been given to make an informed decision? We can toilet together, we're not the only ones who want this. Unless you grew tits and look like Venus the fucking Milo, why in bloody hell would I do something like that? Deception begets deception begets deception, Mr. Weber. Without end. Plainly, it's bad business. I know a lot of people. 1 fucking minute! It's not here, but I've got 45 fucking seconds, yeah? You tell me where it is, or I put the first of 3 successive bullet holes in your face. Okay. I have it in a locker in an overnight train station. I'll take you there. Lovely. Where's the fucking key? In my right front pocket here. Smart move, Mr. Weber. You better hope that package is there. Don't fuck me about, mate. Move your fucking ass! Moment of truth, Mr. Weber. 2 sets of closure wait. So open it. Slowly. No puckering around, or I'll blow your bleeding spine in two. Just like you say. Nice and easy. Where you going? You think I'm doing? Easy. Easy. जल्दी आओ, हेनरी। जल्दी आओ इस तरफ। कैमरा इधर लेके आओ। जल्दी।
धमाका करीब दिन के 1:30 बजे हुआ। बकवास है ये, देखकर तो लगता है उसने जरूर बम फोड़ा होगा। समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसी बर्बादी करके उससे क्या मिला। जी शायद कोई मजबूरी होगी। खैर मैं जरा मजे लेता हूँ। जी जी हाँ जरूर बिल्कुल। हाँ गुड मॉर्निंग होटल टर्मिनस में आपका स्वागत है। शुक्रिया। यही क्या मदद करूं? मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए। और आपको दो सिंगल बेड चाहिए या एक डबल मिस्टर कोल्ड? डबल बेड काफी रहेगा मैडम। जरूर। शुक्रिया। और आप सर? हाँ ठीक हूँ, पर मेरा दोस्त मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वो अपने कमरे का नंबर देना भूल गया था। उनका नाम बता सकते हैं? कोल्ड, जोनाथन कोल्ड। अगर वो जल्दी नहीं मिला तो उससे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मिस हो जाएगी। मिस्टर कोल्ड, आज सुबह ही एक मिस्टर कोल्ड यहाँ आए हैं। ओ, ये तो अच्छी खबर है। उसका रूम नंबर क्या है? आई एम सॉरी सर, मैं नहीं बता सकती, होटल पॉलिसी। ओ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, होटल पॉलिसी। पर उसको फोन तो कर सकती हो? क्यों नहीं। आई एम सॉरी सर, अब मैं मैसेज लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। हेलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम।
हाँ हाँ ठीक है, ये सब जाकर रसोई में रखो, जाओ जल्दी करो। This movie is encoded by Dr. Star. तुम जानती हो मैं कौन? नहीं जानती ना मुझे? मिस्टर वेबर, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? तुम्हें दिखाने आया हूँ कि मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ। क्या चाहते हैं? तुम्हारे पति से बात करनी है। मैं जानती हूँ मेरे पति तुमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक समझौता कर सकते हैं। मुमकिन नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े आदर्शवादी हो, तुम्हारी हरकतें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसे फोन लगाओ। मिस्टर वेबर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। या तुम पुलिस को फोन करके अपने रेलवे स्टेशन वाले बॉयफ्रेंड के बारे में बताना चाहोगी जिसे तुमने मुझे मारने भेजा था? मैंने कहा ना वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। फर्क नहीं पड़ता, तुम फोन लगाती हो या मैं लगाऊं। मुझे फोन देना प्लीज। जूलियन, मेरेडिथ बोल रही हूँ, वहां जीरोम है, कब फ्री होंगे? तुम उनसे कहोगे कि वो मुझे फोन करें? शुक्रिया। मेरा गाउन देना मिस्टर वेबर। समझ में नहीं आता कि अगर तुम्हें पैकेट देना ही था तो तुमने उसे बदलने की कोशिश क्यों की? तुम मेरे तरीकों के बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपने पति के खिलाफ चाल चल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? मुझसे कहा गया था कि पैकेट तुम्हारे पति को दूँ, तुम्हें नहीं, और मैं ये पैकेट उन्हें ही दूंगा। तुम सच में आदर्शवादी हो। देखो, सब अपने अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं, बस हम में से कुछ लोगों को जीने का तरीका नहीं आता है। हेलो मिस्टर मिम्स, उसके नाम से चेक इन करना काफी जोखिम भरा था मिस्टर गोल्ड। माफ कीजिएगा मिस्टर वेबर को लोग यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं किया करते। और भाड़े की गाड़ी की क्या खबर? कुछ लोगों के साथ चार दरवाजों वाली सिल्वर मर्सिडीज चलाता है। मर्सिडीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर मिम्स, मैं चाहता हूँ ये मामला जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। तो बताइए मुझे क्या करना है? अगर ये भी मुझे समझाना पड़े तो फिर मैं समझूंगा तुम किसी काम के नहीं। ओके सिल्वा मस्टीज FB5288, ढूंढना मुश्किल नहीं। जरा सुनिए सर। हाय, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। सुनिए सर, क्या चाहिए तुम्हें? तुम वो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ये गाड़ी कहां?